हमारे भाई को एक छक्का पड़ चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मोड पे भी उमर भाई। अच्छा भाई उमर भाई अब जा रहे हैं बैटिंग पे। हाँ अहमद मार रहे हो। और ये ओके भाई, तो दूसरा मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहला हम लोग जीत चुके थे जैसा कि आप लोगों ने देखा है। अब दूसरे मैच में जो है हमने टॉस जीत के बॉलिंग लिया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि चेस करें और महाबीर अब पहला ओवर करेंगे। और सामने दा भाई हैं, जो कि मुझे लग रहा है बड़े गुस्से में है कि पिछले मैच में वो नहीं जिता सके अपनी टीम को। इस दफ़ा वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जिता दें। शॉट लेकिन नहीं होगा कुछ भी। एक दफ़ा फिर महाबीर आए बॉल कटने भाई। एक्सेलेंट बॉल लेकिन एक्सेलेंट शॉट एज वेल, लेकिन एक भी रन नहीं मिलेगा। देखो फिर आए, ओ बेहतरीन बॉल की है भाई, बेहतरीन बॉल की है और रन आउट की अपॉर्चुनिटी थी, बट खैर सही है, वेल प्लेड, गुड बॉल, गुड शॉट यार। टाइमिंग अच्छी लग रही है लड़के की, बाबर आजम टाइप का लग रहा है लड़का। यार ये लड़का बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ओए होए होए, नज़र भी नहीं आई यार। बेहतरीन शॉट है यार, गुड शॉट, छः है भाई, बहुत बड़ा छः है, शाबाश। अरे कीपर कैच छोड़ दिया, कैच था, गुड शॉट, पंच किया है स्ट्रेट पे और चौका हो जाता शायद। अच्छा भाई उमर भाई ओवर करवा रहे हैं, पहली बॉल वाइड हो गई है। कोई बात नहीं उमर भाई, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। ओहो उमर भाई को एक छक्का पड़ चुका है, अभी एक ही पड़ा है भाई। तो पहली बॉल पे छक्का पड़ गया ना यार, कोई बात नहीं, अगली बॉल पे आउट भी आएगा। दो छक्के हो गए, ओह नाइस, उमर भाई ने अपना मोड चेंज कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मोड पे भी उमर भाई। कोई बात नहीं उमर भाई, कोई बात नहीं, सीख जाओगे यार आप भी। नाइस ट्राई उमर भाई, नाइस ट्राई। अरे यार कोई खुदाई कसम, कई किस्म की जो है कुटास लगी है आपके भाई को। मतलब पेस तो मतलब आ ही नहीं रहा था ना, पेस ऐसे नहीं आ रहा था जैसे जैसे पाकिस्तान में पानी नहीं आता, कराची में बिजली नहीं आती, वैसे आपके भाई का पेस भी नहीं आ रहा था। खैर बहुत क्लास की हिटिंग की है, लास्ट ओवर चल रहा है भाई। ये ओ लेफ्ट आर्म, गुड बॉल यार। ये बॉलर कहाँ कहाँ छुपाया हुआ था यार ये बॉलर हमने, अच्छे टैलेंट को मौका नहीं मिलता कराची में, ये बात तो सच है। ओके भाइयों, तो जब तक हमारा मैच चल रहा है मैंने सोचा कि आपको यार आज के इंडोर का ज़रा सा टूर करा दूं, तो आइए मेरे साथ चले, मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें यहाँ की हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले जो है ना, ये अगर आप पिच देखेंगे यहाँ की, तो यहाँ की पिच सबसे पहले जो है आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगी। ये बिल्कुल नॉर्मल पिच नहीं है जैसे आप इंडोर में थ्रू द लाइन छक्के मारो, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि मुझे लगता है अच्छा है कि आप इंडोर जब खेलते हो तो 6-7 ओवर के आप मैचेस खेलो और आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी और मतलब कंपैरेटिव क्रिकेट खेलने का आपको बड़ा भरपूर मौका मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कारपेट लगाई हुई है, सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इन्होंने इस तरीके से लगाया है कि ये कुछ डिफरेंट है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कसम से क्या है। तो ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही ये क्या है, लेकिन बहरहाल जो भी है ये थोड़ा सा आपको बैटिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल करता है, जो कि अच्छी चीज़ है, वरना यार क्रिकेट में आप देखते हो कि बॉलर्स को तो मतलब कुछ मिलता ही नहीं है ना, हर बॉलर जो है छक्के पर छक्के खा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे आज के इंडोर में। बाकी अगर आप नेट देखते हो तो अच्छा स्पेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा स्पेस है। मैंने स्पोर्ट्स क्लब में भी खेला है, मैंने ग्रूव में भी खेला है, मैंने और भी एक जगह पे खेला है, तो मुझे उससे बेहतर लगा ये वाला, तो अच्छी चीज़ है। बाकी यार यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे सही लगी वो ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपन स्पेस मिल जाता है विद इन द टेरिटरी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कभी कभार ऐसा होता है फैमिलीज के साथ आते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके ज़्यादा लड़के होते हैं लेकिन आप इंडोर में जो है घिच पिच हो जाती है, तो एक टीम बाहर आराम से वेट कर सकती है, उस तरफ भी एक वेटिंग एरिया है और इधर भी जो है अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे फ्रिज है भाई, सबकी मनपसंद चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद हैं, स्लाइस जूस से लेके पाकिस्तानी है मेरा ख्याल है अब तो, पाकोला वगैरह पड़ी हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे एक और वेटिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे चेयर्स वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम है, तो यहाँ पे भी आप बैठ के जो है आराम से देख सकते हो कि लोग आए हुए हैं अभी, ऑलरेडी बैठे हैं, जिनका अगला मैच है वो वेट कर सकते हैं। अक्सर इंडोर्स में ऐसा होता है अगला मैच जिसका होता है या तो वो बाहर वेट करता है या फिर वो अंदर ही जो है दूसरों को एक तरह से समझ लो अनकंफर्टेबल करके वेट कर रहा होता है, तो यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी यार फुटबॉल का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है भाई, फुटबॉल है,
अच्छी चीज ये है कि टेप बॉल के हमें बल्ले भी दिए हैं उन्होंने, बल्ला भी चेक कराते हैं आपको। हाँ भाई, तो ये बैट्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो कि अक्सर इंडोर में आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडोर वाले हैं, नाम नहीं लूंगा, वो हमें नहीं प्रोवाइड करते, तो भाई उनको भी करने चाहिए, सबको करने चाहिए। सही है, तो इन्होंने किए हैं, ये अच्छा प्लस पॉइंट है, मतलब अच्छी बात है, करने चाहिए। अब यहाँ से जरा आपको व्यू नज़र आ जाएगा ओवरऑल जो है कितना वाइड है, ये आप देख सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत बड़ा नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन काफ़ी जो इंडोर यहाँ पे मैंने खेला है उनसे बहुत बेहतर है। तो ज़रा सा स्पेस होना चाहिए, अक्सर मैंने इंडोर ऐसे खेले हैं, मतलब यहाँ पे मैं खड़ा होता था और तकरीबन ये ब्लू वॉल जो है ना इसके आगे ही बस वो एंड हो जाता था। जैसे अपना स्पोर्ट्स क्लब है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, हमने वहाँ बहुत मैच खेले हैं, मज़ा आता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा लगा। तो एक अच्छी चीज़ है अगर आपके पास आठ आठ बंदे खेलने हैं या नौ नौ बंदे भी खेलना है तो यहाँ खिलाने की तुम सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, स्पेस है। अच्छा भाई, उमर भाई अब जा रहे हैं बैटिंग पे, और ये भाई अहमद भाई बॉलिंग करवा रहे हैं। हाँ अहमद, मार रहे हो? और ये तीसरी बॉल। और एक और बॉल, और ये इस बॉल पे एक रन हो गया। टावर की पहली बॉल जा रही है भाई, और ये इस बॉल पे आ गया, इनको एक रन मिली। वाह क्या बात है भाई, कमेंट्री करते हैं बेचारे लोग भी यार, कोशिश कर रहा हूँ मैं यार, क्रिकेटर नहीं हो ना, कमेंट्री नहीं आती मुझे क्रिकेट की। आपने नहीं देखा वो क्या बोलते हैं, आसमान में गई ये हुआ वो। अच्छा चलो ऐसे ही बोलते हैं फिर तो। ओ भाई ये बोला, हाथ में बोला आ गई और आउट होने से बच गया। ओ भाई वो थ्रो, ये ओवर की लास्ट बॉल होने जा रही है, और ये लास्ट बॉल पे ओ हो हो भाई प्रेशर आ चुका है, प्रेशर इंतहा से ज़्यादा आ चुका है। तीन ओवर में 46 रन चाहिए, पता नहीं कैसे बनेंगे भाई, उमर भाई को बनाने पड़ेंगे आज। उमर भाई कुछ करो, उमर भाई कुछ करो भाई। चौथे ओवर की पहली बॉल होने जा रही है, और ये पहली बॉल पे सिक्स, ज़बरदस्त शॉट मार दिया भाई बंदे ने। दूसरी बॉल पे कुछ नहीं हो सका भाई, डॉट हुआ है। तीसरी बॉल होने जा रही है ओवर की, देखते हैं इस पे क्या होता है। इस पे चौका नहीं हो सका, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक रन ले लिया। अरे भाई अमर भाई ने शॉट मारा है, लेकिन सिर्फ एक रन ले सके। ओवर की पांचवी बॉल है, और ये पांचवी बॉल पे एक और सिक्स। बंदा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है शॉट्स मार रहा है, अच्छा खेल रहा है, सब अच्छा कुछ मार रहा है, मुझे क्या हो गया आज। कोई बात नहीं उमर भाई, मेरे से क्या आ जाएंगे ना, ये मैच हमारे हाथ में आएगा, अपना टाइम आएगा उमर भाई। ओवर की लास्ट बॉल होने जा रही है, और ये लास्ट बॉल हाथ में आ गई और आउट हो गया। चार ओवर हो चुके हैं, दो ओवर में 32 रन चाहिए 12 बॉल पे, और ये पहली बॉल पर आउट हो गया। 11 बॉल पे 32 चाहिए, और देखते हैं क्या होता है। एक रन आ चुका है भाई, 10 बॉल पे 31 रन चाहिए। उमर भाई ने अपने इनिंग का पहला छक्का मार दिया है। नाइस, 8 बॉल पे 26 रन चाहिए, और ये उमर भाई के भाई इस बॉल पे भी एक डॉट, एक बॉल, एक रन आ गया, दो रन भी पूरे हो गए भाई। उमर भाई 23 रन चाहिए, मैं फेसिंग पे जा रहा हूँ, पता नहीं देखो बनते नहीं बनते। बेस्ट ऑफ लक उमर भाई, यू कैन डू इट। तीन छक्के चाहिए बस। लास्ट ओवर की पहली बॉल होने जा रही है, देखते हैं इस पहली बॉल पे उमर भाई जो है क्या कर पाते हैं। और पहली बॉल पे उमर भाई ने शॉट तो मारा है, लेकिन डॉट बॉल हो गई। और इस दूसरी बॉल पे उमर भाई ने रुक कर एक शॉट दिया है अच्छा सा, लेकिन सिर्फ अच्छा रन भी नहीं लिया उमर भाई ने। ओहो उमर भाई ने शॉट मारा नहीं है, दो बॉल पे 20 रन चाहिए। ओके भाई, तो ये अपडेट है यार के दोनों मैचेस जो अगले हैं हम लोग हार चुके हैं, ताह भाई की टीम जीत चुकी है। ताह भाई ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, सबको चांस दिया और मैच भी जिताया अपनी टीम को, अच्छा किया।